देखिए ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि क्या ये चुनाव जो है इस बार हार या जीत का है या फिर ये मार्जिन का हो गया है, क्योंकि INDIA की तरफ से जो है अजय राय मैदान में। और मैं सबसे पहले आपको उत्साह दिखाता हूं आपको, क्योंकि कुछ ही देर के बाद यहां पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी और लोगों के बीच उत्साह इतना है कि वो इससे पहले ही तकरीबन 6 बजे यहां पर वोटिंग के लिए पहुंच गए। कुछ लोग हैं यहां पर। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर US पांडे। पांडे साहब, वोट करने के लिए बहुत जल्दी सुबह सुबह पहुंच गए आप। अब ये देश के विकास का मामला है और वोट के आधार पे देश का विकास होना है, उसके लिए हम वोट करना जरूरी समझते हैं। जी। इस बार का जो चुनाव, मैम सुबह सुबह मतदान करने के लिए आप पहुंची हैं, बनारस का जो चुनाव है कितना दिलचस्प इस बार है और इस बार के मुद्दे अहम क्या हैं जो वोट करने के लिए आप सुबह सुबह आई? सबसे पहले तो महिलाओं को मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ाया है, हमारे काशी को बहुत आगे किया है, सनातन धर्म के लिए उन्होंने काम किया है, बस इसकी वजह से हम सब आगे आए हैं। तो सुबह क्योंकि बनारस का और जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया, ये सबसे बड़ी बात है। बनारस का इस बार किन मुद्दों पर चुनाव आपको लगता है? विकास के मुद्दों पे, कोई और मुद्दा नहीं, विकास का केवल मुद्दा है। और मोदी जी का काम हो रहा है लेकिन थोड़ा काम धाम पे भी ध्यान दे, रोजगार नहीं चल पा रहा है, इस पर भी दे तो बेहतर रहेगा ना, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। इस बार का जो मतदान है वो किस आधार पर बनारस की जनता इस बार वोट किस उस पर कर रही है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? हम लोग का ये मुद्दा है कि काम तो सही किया लेकिन रोजगार नहीं दिया, गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं है और कैसे पालन पोषण होगा, महंगाई दिन का दिन छिपी जा रही है। मेरा नाम है निसार अहमद अंसारी। तो ये बनारस की जनता है और सुबह से ही मतदान के लिए पूरा जो रुझान है और जो उसका आपने जिक्र यहाँ पर किया, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 7.25 लाख वोट जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले थे और इस बार की जो जनता है उनका ये कहना है या फिर जो चुनावी पंडित हैं उनके अपने अपने आकलन यहाँ पर हैं कि आखिर कितना इस बार जो है मतदान यहाँ पर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जैसा हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कन्याकुमारी में वो किस तरीके से हमारे साथ अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए। हम सीधे हमीरपुर रुक कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां से चुनावी मैदान में, 12 बार चुनाव हो चुके हैं और 10 बार बीजेपी ने जीता, इसी से पता चलता है कि बीजेपी का गढ़ है। सृष्टि वहां, क्योंकि अब वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा आपसे थोड़ी देर बाद, इंतजाम दिखाइए क्या कुछ लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि कोशिश यही होती है कि सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया जाए, वोटिंग कर ली जाए। और वहां की तस्वीर ऐसा लगता है कि क्योंकि 4 बार जीत का चौका अनुराग ठाकुर लगा चुके हैं, 5वीं बार एक बार फिर जीत का दावा, तो मार्जिन कितना रहेगा इस बार? बिल्कुल गायत्री, आप जिस तरीके से मार्जिन की बात लगातार हो रही है, क्योंकि इस बार कई दिग्गज मैदान में है। 7वें चरण की अगर बात करें और खास तौर पर अगर हमीरपुर की बात करें तो 4 बार से खुद यहां से अनुराग ठाकुर सांसद रहे हैं और यहां पर लोगों का कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का, खुद अनुराग ठाकुर जब अपनी सभाओं में पहुंचे थे तो लगातार जो उनके कार्यकर्ता थे वो यही बात कहते थे कि इस बार मार्जिन जो है वो 5 लाख का होने वाला है। तस्वीरें आपको बाहर से हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तैयार, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, तैयारियां यहां पर पूरी हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद में जो वोटर्स हैं उनके आने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे का समय है जब अनुराग ठाकुर यहां अपने परिवार के साथ में मतदान करने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बीजेपी का एक तरीके से यह गढ़ रहा है और महत्वपूर्ण हिमाचल का चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 6 विधानसभा सीटों पर भी यहां पर मतदान हो रहे हैं। आपको याद होगा कि 9 विधायक जो बागी हुए थे उनमें से 6 जो है वो उपचुनावों में यहां से खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये इनमें से 4 जो विधानसभा सीटें हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही आती हैं। तो अनुराग ठाकुर का प्रभाव कहीं ना कहीं उस पर भी सीधे तौर पर पड़ने वाला है कि 4 बार से वो यहां से सांसद रहे हैं, जिस तरीके से कामकाज उन्होंने यहां धरातल पर किया है, जो बार बार वो गिनाते रहे हैं कि हम काम के दम पर जीत हासिल करते हैं, तमाम सवाल भी यहां विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए गए। पूरे चुनावी दौर में आपने देखा कि प्रचार प्रसार में बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन अगर हिमाचल में जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ केंद्र का चुनाव नहीं है बल्कि राज्य का भी चुनाव है, राज्य की सरकार की किस्मत का भी फैसला आज कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। आपके पास हम लौटेंगे लेकिन फिलहाल गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, रवि किशन उम्मीदवार है लेकिन सबको पता है कि वहां पर वोट गोरखनाथ भट्ट और योगी के नाम पर ही पड़ने वाला है, इस बार क्या नजारा? बिल्कुल